हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज की न्यू रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं लेमन राइस। तो लेमन राइस बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए चावल। तो चावल को मैंने यहाँ पर बॉयल करके एक बाउल में रख लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर ले लिया मैंने थोड़े से काजू, अदरक का एक टुकड़ा और दो हरी मिर्ची और नींबू और लिया कड़ी पत्ता। चलो सबसे पहले इनको चॉप कर लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको कट कर लेती हूँ। नींबू को मैं इस तरह से कट कर लूँगी और जो बाकी सब चीज़ें हैं उनको भी चॉप कर लूँगी। तो ये देख सकते हो मैंने सबको एक साथ चॉप कर लिया है। अदरक को मैंने ऐसे लंबे लंबे पीसेज में कट किया है। काजू को भी मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ लिए मस्टर्ड सीड और ये कड़ी पत्ता, जो वो 7 से 8 लिया हुआ है। और यहाँ पर लिए मैंने नींबू, को भी कट कर लिया इस तरह से। और यहाँ पे लिए थोड़ी सी चने की दाल और उड़द की दाल, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसको आपने ज़रूर डालना है। और यहाँ पे लिए हरी मिर्ची, को भी मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्ची की जगह आप रेड चिल्ली का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये ले लिए चावल, और चावल थोड़े ड्राई हैं तो हमें ड्राई चावल ही चाहिए, ज़्यादा पानी वाले नहीं चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आप लेमन राइस का तड़का। तो यहाँ ले लिया पैन और पैन में ऐड कर दिया मैंने देसी घी के 2 चम्मच। देसी घी में लेमन राइस बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए आप भी ट्राई करें कि देसी घी में ही बनाएं। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया मस्टर्ड सीड, जो वो चटक गया है। और देख सकते हो यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने चने की दाल और उड़द की दाल, और यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने अदरक, हरी मिर्ची। अब इनको 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं, थोड़ा इनका हल्का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी काजू और कड़ी पत्ता। तो ये देख सकते हो इस तरह से मैंने इनको थोड़ा हल्का ब्राउनिश कर लिया है। और अब इसमें मैं कड़ी पत्ता और काजू ऐड कर दूँगी। तो कड़ी पत्ता और काजू भी ऐड कर दिया है, काजू से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। अगर आप चाहो तो इसमें बादाम और किशमिश भी ऐड कर सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने ऐड कर दी थोड़ी सी हल्दी, से इसका जो फ्लेवर है, थोड़ा सा इसका कलर है, वो चावल का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा येलो दिखेगा, इसकी थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड की है। और यहाँ पे ऐड कर दिए मैंने चावल, को थोड़ा ड्राई हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसमें मॉइस्चर जो वो आ जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ये सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में बनाई जाती है और यहाँ के लोग ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नींबू। तो ये देख सकते हो हमारे राइस जो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें नींबू ऐड करूँगी। नींबू जो आपने राइस की क्वान्टिटी के हिसाब से ऐड करना है, जितना राइस है उस हिसाब से ही ऐड करना है। तो अगर राइस कम या ज़्यादा है तो उस हिसाब से ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ नींबू जो ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मेरी राइस की क्वांटिटी जो वो थोड़ी कम है। तो नींबू ऐड करने के बाद ना मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि नींबू का फ्लेवर जो सभी चावल में आ जाए और हमारे लेमन राइस जो अच्छे से बन जाए। इस तरह से नींबू को मैंने ऐड कर दिया और मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब इसको स्पैचुला की हेल्प से। इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देख सकते हो हमारे लेमन राइस जो बन के रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी लेमन राइस की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।